नीट 2022 परीक्षा की प्रथम पारी की शुरू हो रही है, उससे पहले किस तरीके से चेकिंग की जा रही है? आमतौर पर इससे पहले आप देखते होंगे जब वीवीआईपी की रैली होती है, चाहे प्रधानमंत्री की या बाकी रैलियाँ होती है, जब उसके अंदर कोई भी जाता है तो उस तरीके की चेकिंग होती है। ये पहली बार है जब इस तरीके की आप देखिए कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरें बताए कि किस तरीके से चेकिंग की जा रही है। इस चेकिंग करने के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। जैसा कि आप सबको पता है कि बाड़मेर और जालोर जब पिछली दफ़ा और रीट परीक्षा हुई थी तो उस दौरान 27 से ज़्यादा डमी कैंडिडेट पकड़े गए थे, 12 लोग पकड़े गए थे, और उसी के चलते इस बार बाड़मेर और जालोर के अंदर विशेष तौर से इंतज़ाम किए गए हैं। हम कुछ जो अभ्यर्थी हैं उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। अच्छा भैया, किस तरीके की तैयारी है आपकी? तैयारी ज़ोरदार है सर। अच्छा, इस बार क्या कुछ आपको लग रहा है? इससे पहले भी आपने कोई एग्जाम्स दिया? एग्जाम दिया, पिछली बार दिया था सर। क्या फ़र्क है इस बार चेकिंग वेकिंग में, क्या कुछ फ़र्क है? बढ़िया है, वो टाइट मामला चल रहा है, बढ़िया है सब कुछ। अच्छा अच्छा, आप लोग कहाँ से आए? यहाँ से गुड़ा मालानी। अच्छा, किस तरीके की इस बार तैयारी है? और बढ़िया तैयारी है। अच्छा, चेकिंग कैसी चल रही है इस बार? बढ़िया व्यस्त है आपकी बार तो, पिछली बार से। अच्छा, पिछली बार जिस तरीके से हुआ था, क्या लग रहा है इस बार ऐसा नहीं होगा? ऐसा नहीं लग तो नहीं रहा है, फिर क्या बताते हैं। अच्छा, आप देखिए कि किस तरीके से। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? कमेंदर। अच्छा, कैसी तैयारी आपकी और इस बार क्या कुछ अलग लग रहा है? अलग सर, तैयारी इस बार अच्छी है और चेकिंग भी अच्छी है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आगे वाले पेपर में भी ऐसी ही चेकिंग रखेंगे। ये तो सिर्फ पात्रता एग्जाम है, मेन एग्जाम तो अभी बाकी है। मेन एग्जाम के लिए भी हम इसी तरह से सख्ताई चाहते हैं सरकार से। अच्छा, पिछली बार जो हुआ वैसा नहीं हो। अच्छा, इससे पहले आपने कोई एग्जाम दिया? बिल्कुल, पिछली बार रीट दी थी, 126 नंबर थे, 2 नंबर से रह गया मैं। अच्छा, और उस बार इसमें क्या क्या फर्क नजर आ रहा है? चाहे शुरू से लेकर आपने तैयारी की, यहाँ पहुँचे तब तक क्या कुछ नजारा बदला? इस बार सरकार से हमारे को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री भी चेंज हो चुके हैं। शिक्षा मंत्री अच्छे हैं, उन्होंने अच्छे नियम बनाए हैं और चेकिंग भी अच्छी हो रही है, और इस बार सरकार से यही आशा करते हैं कि इस बार पिछली बार की तरह इस बार नहीं हो। अब देखिए, मैं देखिए, दो लाइनें बनाई गई है खास तौर से, आमतौर पर ऐसा कम ही देखने को मिलता है। महिलाओं के लिए यहाँ पर विशेष तौर से एक लाइन बनाई गई है, जो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरें बताए कि महिलाओं की विशेष तौर से चेकिंग की जा रही है। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से बाड़मेर के अंदर कुल 31 सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें आज और कल 38,000 के आसपास छात्र बैठेंगे। ये फर्स्ट पारी है जो कि 10:30 बजे शुरू होगी और उसके बाद में 12:30 बजे तक चलेगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि अंदर की तस्वीरें भी बताएं किस तरीके से चेकिंग की जा रही है। पहली चेकिंग यहाँ की जाती है और उसके बाद में अंदर एक बार फिर से जब भी अभ्यर्थी पहुँचते हैं वहाँ चेकिंग की जा रही है। कितनी लंबी लाइन है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2 बार चेकिंग। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है, हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि 9 बजे के बाद में पेपर 10:30 बजे शुरू होगा, लेकिन जो 1 घंटा पर होगा उसके बाद में तीसरी बार चेकिंग जो होगी, वो जब अभ्यर्थी जब बैठ जाएगा तो उसके बाद में उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड किए जाएंगे। आप देखिए कि किस तरीके से हम लोग कुछ और लोगों से भी बातचीत करने के लिए, ये जो बाकी आप देख सकते हैं कि बाहर से जो लोग आए हैं, गांव से, दूर दराज के इलाकों से जो परिवार के जो लोग आए हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करने की। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मोहन लाल। अच्छा, कौन एग्ज़ाम देने आए आप? उम्र बच्चे आई। अच्छा, कहाँ से आए आप? सांचौर से। अच्छा, किस तरीके की यहाँ व्यवस्था की गई है और आप खुश हैं? खुश है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आमतौर पर ऐसी चेकिंग होती है? नहीं, पहले नहीं होती थी, अभी हो रही है। आप देखिए कि किस तरीके से लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कि इससे पहले ऐसी चेकिंग नहीं होती थी। जालोर जिला मुख्यालय पर रीट भर्ती परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में होने जा रहा है। जिला मुख्यालय पर करीब 9,000 से ज्यादा के अभ्यर्थी है, 2 पारियों में परीक्षाएं दे रहे हैं। जिला कलेक्टर निशांत जैन और पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल प्रभावी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जालोर जिला अति संवेदनशील एरिया में आता है, जितनी भी पिछली जो एग्जाम हुए हैं कहीं न कहीं जालोर जिले से उनका तालुका है पेपर लीक प्रकरण में, और जो डमी अभ्यर्थी हैं वो भी ज़्यादातर जालोर से निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन जालोर बहुत ही प्रभावी ढंग से मॉनिटरिंग कर रहा है। जिला कलेक्टर निशांत जैन सुबह 7 बजे से ही पूरी व्यवस्था में लग गए थे और जो स्ट्रांग रूम से जो पेपर है उनको सेंटरों तक पहुँचाने में उन्होंने अपना खुद मॉनिटरिंग की है। साथ ही 3 ऐसे सेंटर थे जहाँ पर आंशिक संशोधन की वजह से कुछ अभ्यर्थी थे जिनको पता नहीं था कि हमारा सेंटर कहाँ है, जो करीब 25 अभ्यर्थियों को जिला कलेक्टर जालोर ने अपनी स्वयं की गाड़ी से उनको सेंटर तक पहुंचाया और उनका जो प्रवेश पत्र है वो उनको निकाल कर दिया। इस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो जिला प्रशासन जालोर द्वारा की गई है। साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी अपनी व्यवस्थाएं वो माकूल कर दी है, किसी प्रकार की व्यवधान पैदा ना हो उसको लेकर पूरी सावधानी बरती जा रही है।